अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू हसीनाज डेली रूटीन। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज व्यूवर्स, मैंने सोचा कि आपके साथ अपने गरम मसाले वाले चने की रेसिपी शेयर करूँ। तो सबसे पहले तो मैं अपने चनों को बॉईल करने के लिए रखूँगी, इसलिए इसमें मैंने नमक ऐड किया, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा लहसुन इसमें ऐड करूँगी। मुझे इस तरीके से पसंद है, आपको जिस तरीके से पसंद है आप वैसे बनाइए, पर मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस तरह से यकीन माने बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो अब इनको मैं गैस पे चढ़ाऊंगी, तकरीबन आधा घंटे में ये हो जाते हैं, गल जाते हैं। और फिर तड़का लगाने की तैयारी की है, ऑयल गर्म हो गया है, इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर और हरी मिर्च। मैं प्याज का तड़का नहीं लगाती क्योंकि वो मीठा फ्लेवर आ जाता है, वो चनों में मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो मैं लहसुन अदरक डालूंगी, ऑयल गर्म हो गया है, इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको डाल के इसको लाइट ब्राउन करना है हमें। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा तो इसमें जाएंगे टमाटर और हरी मिर्च। इसको डालने के बाद इसको आपने ग्रेवी बनानी है, अच्छे से मिक्सअप करना है, चमचा हिलाते रहना, और ये अच्छे से जब ग्रेवी बन जाएगी तो इसमें साथ साथ हम मसाले ऐड करते हैं। मसालों में मैं कश्मीरी मिर्च, लाल मिर्च ऐड करती हूँ। आपके पास अगर कुटी हुई मिर्च है, लाल मिर्च, तो आप वो ऐड कीजिए, वो बेस्ट है। तो ये मैंने लाल मिर्च ऐड की, स्पून भर के मैं सालन मसाला ऐड कर रही हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है, इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार था। ये हल्दी है, और इसके अलावा चाट मसाला मत भूलना इसमें डालना, क्योंकि उसी से तो इन चनों का फ्लेवर आता है सारा। वो ऐड किए, और साथ साथ मैंने सोचा छोले चढ़ाए हुए थे गैस पे, तो अब साथ साथ रोटी बनाते हैं। तो ये रोटी बेली और फिर तवे पे डाली, और ये देखें रोटी बन रही है, साथ साथ चटनी की भी तैयारी की। चटनी ना हो मज़ा ही नहीं आता खाने का। तो साथ साथ गरम रोटी और चटनी जो है बनाई, और ये देखिए हमारे चने पक के तैयार हो गए हैं। मैंने गाढ़े गाढ़े बनाए हैं, मुझे इस तरह से पसंद है। तो ये देखें ये बन गए हैं। अब इसके बाद ये देखें हमारा खाना रेडी है, चटनी भी तैयार है। और उसके बाद हम फ्रूट ना खाएं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मज़ा ही नहीं आता यार फ्रूट चाट ना हो। तो चलें जी व्यूवर्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा चैनल को, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।